नमस्कार मेरे भाई लगता क्या हाल चाल आप लोग के। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे PS1 विक्रम वेदा, तो किसने मारी बाजी, कौन गया फ्लॉप, कौन है हिट, तो देखते रहो इस वीडियो को एंड तक और आपको पूरी जानकारी बताएंगे। और इसका वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बात करेंगे, इसका बजट और इसने का कितना कलेक्शन कर चुकी है और कौन सी मूवी हिट हुई है फिर फ्लॉप, आपकी ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर इससे पहले तुम्हारे भाई की शक्ल नहीं देख रहे हो तो चैनल पर सब्सक्राइब बटन को घंटी का बटन बजा देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना और बाहर हाथ निकाल देना सब्सक्राइब बटन की। तो सबसे पहले आते हैं PS1 के बजट के ऊपर, दोनों मूवीज के बजट पे बात करेंगे। तो PS1 का बजट है गाइस 500 करोड़ और दूसरी तरफ विक्रम वेदा का बजट है 175 करोड़ रुपए। और पे बात करें PS1 का बजट है गाइस 500 करोड़ और दोनों पार्ट मिला के इसका बजट है 500 करोड़। और मान लो एक पार्ट आ चुका है PS1, उसका बजट होगा 250 करोड़। और बात करें विक्रम वेदा की तो इसका बजट है, और ये विक्रम वेदा रीमेक है ऑफिशियल विक्रम वेदा की, जिसका बजट है 175 करोड़। और गाइज बात करेंगे इनके, देखो गाइज अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यहाँ पे देखो PS1 का हो चुका है 350 करोड़ प्लस हो चुका है गाइज, मान लो 355 करोड़ के प्लस हो चुका है। और बात करें यहाँ पे विक्रम वेदा के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी तो इसका 100 करोड़ से लेकर 105 करोड़ इसका कलेक्शन हो चुका है, इसके बीच में हो चुका है। तो गाइज आपकी क्या ओपिनियन है दोनों मूवी को लेकर, क्योंकि गाइज देखो सबसे पहले तो एक साउथ इंडिया की सबसे बड़ी मूवी थी और एक इधर नॉर्थ साइड की सबसे बड़ी मूवी थी। तो आपकी आपको कौन सी मूवी आपने देखी या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सबसे पहली बात, आप किस मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थे और आप किस मूवी को देखी है आपने कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कौन सी मूवी हिट हुई है फिर फ्लॉप, वो आपकी ओपिनियन ज़रूर बता देना।